नमस्कार, अभी मैं हूँ वडनगर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए और ये बच्चे उन्हीं स्कूलों से है जहाँ से भारत को प्रधानमंत्री मिला नरेंद्र मोदी के रूप में। आप लोग उसी स्कूल से हो? हाँ। किस स्कूल का क्या नाम है? बीएन स्कूल। बीएन स्कूल। नरेंद्र मोदी जी वहीं पढ़ा करते थे? हाँ, वही पढ़ा करते थे। तो हम ये चाहते हैं ना कि आप लोग, जैसे कि इसी स्टेशन बताया कि बाहर में शायद कोई दुकान था, वहाँ से चाय बनता था और उसका उधर स्टेशन पे बेचते थे, फिर बाद में वहाँ पर एक स्टॉल टाइप लग गया। तो हमें दिखाओ, आप लोग इधर आओ और ये दिखाओ कि कैसे। ये देखिए, ये वडनगर स्टेशन है। अब ये वडनगर नया नया बन रहा है ना बाबू, ये बताओ, ये अभी सब कुछ ये नया हाल के कुछ दिनों में बना है ना, मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद इनोवेशन हो रहा, टूटा फूटा था सब, सब सब टूटा फूटा था, इधर भी सब टूटा फूटा था, मगर मोदी जी के कारण सब ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे कि ये चीजें जो है वो नया बन रहा है। जैसे कि ये बच्चे बता रहे हैं, स्कूल के बच्चे बता रहे हैं कि ये जो स्टेशन है उसको आप खुद ही दिख रहा होगा कि रिनोवेट किया गया है, अच्छे तरीके से उसे बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म। अब कुछ लोग तो यहाँ से ट्रेन जो है वो रेगुलर ट्रेन जाती है। हाँ हाँ, रेगुलर जाती है। कितने ट्रेन है दिन में, कुछ अंदाजा? दो तीन तो आती है। हाँ, अभी आगे थोड़ा काम चालू है। हाँ। फिर सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए, कुछ सवारी भी हैं, टिकट काउंटर भी है, लेकिन सब चीज़ ऐसा लग रहा है देखने से कि ये सब कुछ अभी हाल में जो है रिफॉर्म नया दिखाई, सब कुछ ऐसा लग रहा है बना है। और बच्चों को हमसे मदद लेना चाह रहे थे कि ये वडनगर का एकदम से लंबा सा प्लेटफॉर्म, ये वो हिस्सा है एकदम जो बताया जा रहा नया है। उधर स्टेशन मास्टर का भी कमरा है और ये जो हिस्सा है इस तरफ का, ये बताया जाता है कि पुराना हिस्सा। इधर आओ आप लोग, ये बताया जा रहा है कि ये पुराना हिस्सा है जो इस छोटा सा, जब रेलवे स्टेशन था तो ये छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा है जब बहुत छोटा स्टेशन हुआ करता था। अब चूंकि इसी जगह से भारत का प्रधानमंत्री निकला है, इसे बहुत बड़ा किया जा रहा है, नए तरीके से बनाया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा। अब ये बच्चे हमें बता रहे हैं कि ये टी स्टॉल एक तरह से बनाया जा रहा है और ये पहले जो जहाँ पे था उसे नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि टी स्टॉल हमें दूसरे जगह नहीं मिला, छोटा सा था। कई लोग इसकी कहानी में मजाक भी उड़ाया जाता है उनका कि ये झूठ बोलते हैं, तो बहुत सारे जो हैं उनके भाइयों से। ये जो जगह है, ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये जगह बताया जा रहा है, क्या नाम है आपका? रवि रावत। और आपका? रोहन रावत। आप बताइए। रोहित पटेल। रोहित, आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से। अच्छा, आप बेहतर बताएंगे, इन बच्चों से ज्यादा अनुभव आपके पास। बोलिए। ये क्या है और ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। इधर कैमरा घुमाओ। वो इधर प्लेटफॉर्म था पुराना। जी पुराना प्लेटफॉर्म था। दिखाओ। हाँ, वो प्लेटफॉर्म पुराना था। अच्छा, अब वही है। ये वही और अभी रिनोवेशन हुआ है अभी। हाँ। और वो पुराना ही था और उसका वो ये होटल का वो चाय के किटली के बोलते हैं वही होटल था उनकी। अच्छा, तो इसे यहाँ पर लाया जाएगा क्या? हाँ, अभी बाद में लाया जाएगा अभी। अच्छा, वो पुरानी है, अभी वही जगह है। हम भी इधर ही पांचवा दौरे से इधर ही स्कूल में ही पढ़ते, बीएन स्कूल में मैं भी। अच्छा, अभी उसी स्कूल में? स्कूल के स्टूडेंट हूँ। हाँ, उसी स्कूल के स्टूडेंट। वही। आपके कुछ यादें हैं कुछ? कितना आप कब के पुराने, कितने पुराने हाई स्कूल कब हुआ आपका? हाई स्कूल हुआ, उसका नाम बीएन हाई स्कूल बोलता है। हाँ। भगवताचार्य नारायणचार्य हाई स्कूल उसको पूरा नाम है उसका। और मेरा पिताजी भी इसमें पढ़ा था और मैं भी इसमें पढ़ा है और मोदी साहब भी मेरे पापा से पीछे था। अच्छा, और मेरे पिता भी इसमें बीएन हाई स्कूल में टीचर था। अच्छा, हाँ, हाई स्कूल में। इसी हाई स्कूल के, इसी हाई स्कूल के प्रोडक्ट हैं वो। हाँ, वही हाई स्कूल का। और ये मतलब पूरी कहानी है कि ये गांव में सब कोई जानता है कि इसी स्टेशन पे चाय, यदि जैसे कई लोग मजा भी इधर था और उसका चाचा जी की वो भी थी, वो आटा की चक्की जो बोलते है वो भी थी, हम वही आते थे, वो गेहूं बोलते है ना दहाने के लिए, वही हम इधर आते थे। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि आपके गांव से देश को प्रधानमंत्री मिला? अच्छा, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो वही स्कूल का स्टूडेंट है और मेरा स्टूडेंट भी वही वड़ा प्रधान बना, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। वो आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोग मजाक उड़ाते, जैसे विपक्ष ने बहुत मजाक उड़ाया कि अरे झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि झूठ होता तो इस गांव के बहुत सारे लोग कहते कि नहीं, इस गांव का रहने वाला ही नहीं था, चाय नहीं बेचता था। नहीं, ये सब गलत है, इस गांव का ही है, हम पुराने हम। और वो दूसरी बात जन आपको बताता हूँ, वो उसका मोदी साहब का दामोदर भा, उसका दादा फादर, वो हमारे इधर 1 किलोमीटर गाँव है मेरा।
एक किलोमीटर कमालपुर। अच्छा। तो मेरा चाचा और वो उसका दोनों एक थाली में खाना खाते थे। मतलब मोदी जी के बाबूजी और आपके चाचा? हाँ चाचा। अच्छा। मेरा पिताजी का फादर। अच्छा अच्छा दोनों आपके दादा चाचा? हाँ वही वही हमारे गांव के आके वो एक थाली में खाना खाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ और हमारे गांव के आके वो दही दूध छाछ वगैरह गांव से इधर लाते थे। तो अब इस स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है? अच्छा हुआ है डेवलपमेंट, बहुत अच्छा हुआ है। वो जो मोदी साहब है इधर आया है तो हमको तो वो आजू बाजू सब 15-20 किलोमीटर तो बहुत अच्छा हो गया, सब बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ये हमने अहमदाबाद घूमा, बड़ौदा, अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन पूरे कई जगहों को घूमा। जो फील जो होता है ना गुजरात में, कि लोग कहते हैं कि यहाँ चोरी चमारी नहीं होता, तो आपके गांव में भी इस तरह का ये माहौल यहाँ पर भी है? अरे कोई भी जगह पे आप जाओ, कोई भी जगह कोई भी। और वो भाई है ना वो मेरे वहाँ आता है, वो महाराष्ट्र का भाई है। आप कहाँ से हो? औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो यहाँ यहीं रहते हो आप? नहीं, वो हम कपास लेके आते हैं, कपास लेके मेरे फैक्ट्री में आते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको पूछ लो तो भी मालूम पड़ जाएगा। आप रेगुलर आते हो यहाँ पे? रेगुलर रेगुलर। अच्छा क्या, तो क्या मतलब कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। और ये लगातार डेवलप हो रहा है, बता ये जगह तय कि ये हाँ, कुछ बनना हाँ, है। हाँ, बनना है वो, सही सही बात है। इधर आइए। हाँ। मतलब ये चीजें इसीलिए है कि इस वडनगर को बनाया गया, और ये जब अब मोदी रहें ना रहें, जब इतिहास हो जाएंगे, जैसे हम अभी साबरमती जाते हैं तो गांधी जी देखते हैं दिल्ली में, जहां पंडित नेहरू का निवास था, इंदिरा जी जहां रहती थी वो सरकारी निवास था, वो चीज़ें तो है, लेकिन वो चांदी के चम्मच वाले नहीं हैं नरेंद्र मोदी। इसीलिए ये टीएस टॉल ये चीज़ें ही बड़ी हो जाएगी, एक समय आएगा कि ये चीज़ें बड़ी हो जाएगी, यहाँ आकर के लोग तस्वीर खिंचाएंगे, ऐसा वक्त आएगा कि यहाँ पर खड़े होकर के लोग, दुनिया भर के लोग आएंगे और सेल्फी लेंगे, क्योंकि ये जगह है जहाँ से संघर्ष करके भारत को प्रधानमंत्री मिला, और भारत का वो प्रधानमंत्री आज जब डंका बजाता है दुनिया में, चाहे किसी शक्तिशाली राष्ट्र के नेता के साथ जब खड़ा होता है, तो लगता है कि वो भारत की ताकत है। पटेल साहब इधर आइए, आप लोगों को भी वैसा ही गर्व होता है जैसे आम भारतीयों को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेताओं के साथ आप अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को तो हम लोगों से ज्यादा फील होता होगा, क्योंकि हमें तो एक भारतीय के रूप में, आपको तो अपने ग्रामीण बहुत अच्छा, हमको तो हमारा जैसे, हम तो पहले तो ऐसा है कि हमारा स्कूल का स्टूडेंट हम वही है, वही वडाप्रधान बना है, और वो दुनिया में और अच्छा करता है, वही हमको अच्छा लगता है, ये फील है। नरेंद्र मोदी इन्हें कुछ देने नहीं आते, इन बच्चों को कुछ देने नहीं आते, और हमेशा हमारी मानसिकता होती है कि हमारे घर से यदि कुछ निकल, कोई बड़ा बन गया, कुछ हो गया, तो हमें क्या देगा। मोदी जी के बारे में मुझे अक्सर लगता है, नरेंद्र मोदी के बारे में, कि जितनी खासियत उनकी है उतनी उनके परिवार वालों की है कि उन्होंने उनका नाम का इस्तेमाल नहीं किया। इन सबको गर्व सिर्फ इस बात से है कि भारत को बड़ा प्रधान जो मिला वो इनके उसी स्कूल में इन्होंने पढ़ा, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने इन्हें बहुत कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन वो फील जो है, वो जो गर्व है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मुझे लगता है सबको उसका अनुभव है, अच्छा लगता है, सुकून लगता है, ये गर्व है, ये कहते हैं इसीलिए। और जो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये तय किया था कि कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी मंत्री होगा, अपने नज़दीकी लोगों को अपना सेक्रेटरी नहीं रखेगा, ये सब के सब आज के डेट में एम्बेसडर हैं, इस बात के प्रतीक हैं कि सच में इसी जगह से भारत को प्रधानमंत्री मिला। और ये इतिहास में, जो मैं कह रहा हूँ, इतिहास में एक समय आएगा कि जहाँ से लोग सेल्फी खिंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।